ले चलते हैं आपको राजगढ़ की ओर, जहां पर दलित की बारात पर पत्थर फेंकने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए चला बुलडोजर। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 21 लोगों को किया गया है चिन्हित, जिसमें से 18 लोगों के तोड़े जाएंगे मकान। राजगढ़ जीरापुर में मस्जिद के समीप मंगलवार रात को बैंड और ढोल बंद करवाने को लेकर हुए विवाद में दलित दूल्हे की बारात पर जिस वार्ड क्रमांक 4 में पथराव हुआ था, आज उसी वार्ड में प्रशासन द्वारा बुलडोजर से अतिक्रमण आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर बुधवार रात को जीरापुर थाना प्रभारी के वाहन से अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका के द्वारा मुनादी और नोटिस देने के बाद आज सुबह अतिक्रमणकारियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको लेकर 21 आरोपी के घर के बाहर एक निशान लगाकर मकान को चिन्हित किया गया है। इसके बाद आज चिन्हित किए गए मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ राजस्व अमला नगर पालिका का मामला और एक पोकलेन मशीन और एक जेसीबी मशीन से मकान धराशायी किए जा रहे हैं। ये कार्रवाई सर हो रही है आज जो अतिक्रमण की, कितने मकान तोड़े जा रहे हैं, किन पर ये कार्रवाई हो रही है? देखिए ऐसा है, परसों दो रात्रि में घटना हुई है, इनमें से जो है 21 जो है आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, इनके खिलाफ जो है जो शासकीय भूमि पर इंक्रोचमेंट किए हैं, इन पर कार्रवाई हुई। कितने लोगों को चिन्हित किया था इसमें? 21 के विरुद्ध जो है 18 है, 18 को जो चिन्हित है और 18 को जो है प्रॉपरली मार्किंग करने के बाद अलाउंस और सूचना देने के उपरांत ये आज कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। सर ये वही आरोपी हैं जिनने दलित समाज की जो बारात निकली थी उस पर पता हो गया? तो ये आरोप, ये कार्रवाई कब तक चलेगी सर? ये जब तक जो है ये 18 जो चिन्हित जो है इंक्रोच है, अतिक्रामक है, उनके मकानों पर ही कार्रवाई जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक चलेगी। तो इनको क्या, पन्नी क्या पहले नोटिस दिया था, मुनादी करवाई थी? मैंने पूर्व में बताया है आपको, पूर्व में जो है इनको सूचित किया गया है, टिकट में दिया गया है, मार्किंग की गई है, सार्वजनिक जो है अलाउंस किया गया है, अपील की गई है, इसके उपरांत ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।